दोस्तों अगर आप इस वीडियो में बताई गई इन 7 ब्रेन एक्सरसाइजेस को रोज दिन में सिर्फ 1 मिनट भी करोगे तो आपकी ब्रेन पावर कई गुना तक बढ़ जाएगी और आप 95% लोगों से आगे निकल जाओगे। जिसमें से पहली एक्सरसाइज है रीबूट योर ब्रेन। आपके ब्रेन में एक मटर के दाने जितना छोटा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो आपके साइनसेस के जस्ट ऊपर होता है, जो आपकी बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करने का काम करता है। जब भी आप लेजी फील करते हो, थका हुआ महसूस करते हो या एग्जॉस्टेड फील करते हो, ये सभी इसी पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हो रहा होता है। पर शायद आपने ये पहले कभी सोचा भी नहीं होगा कि अपनी उंगलियों का यूज करके आप अपने ब्रेन को रीबूट कर सकते हो। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है क्योंकि हमारी उंगलियों में 3000 से भी ज्यादा मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके ब्रेन के लिए एक तरह से हाईवे का काम करते हैं, जो न्यूरॉन्स के जरिए आपके ब्रेन में अलग अलग सिग्नल्स पहुंचाता है। आपकी उंगलियों के इन्हीं मैकेनो रिसेप्टर्स और ब्रेन के न्यूरॉन कनेक्शंस का यूज करके जब आप इन एक्सरसाइजेस को करते हो तो आपके ब्रेन की पावर बढ़ने लगती है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हो। इसी तरह से अपने एक हाथ के थंब यानी अंगूठे को ऊपर उठाओ और अपने दूसरे हाथ से थंब को फ्रंट और बैक साइड से इस तरह स्क्वीज करो यानी दबाओ। इससे आपको 20 बार करना है। आप नोटिस करोगे कि आपके नेजल पैसेज खुल रहे हैं और सांस लेने में आसानी हो रही है क्योंकि ऐसा करने से आप पिट्यूटरी ग्लैंड को हिट कर रहे हो। इसके बाद आपको अपने थंब को नेल्स की साइड से इस तरह स्क्वीज करके रखना है। इसे आपको 30 से 60 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है। इससे आपको हल्का सा एनर्जाइज्ड फील होने लगेगा और आपके माइंड में भी क्लैरिटी फील होगी। अगर आप ये सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये भी नॉर्मल है। ऐसा मत सोचे कि ये काम नहीं कर रहा है, हर किसी में ये एक ही बार में इफेक्ट नहीं करता। इसे कुछ दिन लगातार करिए, आपकी बॉडी को सिग्नल मिलने लगेगा और फिर आपको भी फर्क दिखेगा। और इसी के साथ सेकंड एक्सरसाइज है 4-7-8 ब्रीदिंग मेथड। फेमस फिजिशियन और रिसर्चर डॉक्टर एंड्रयू वेल, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है, उन्होंने एंशियंट योगा टेक्निक प्राणायाम की मदद से ब्रेन पावर को बूस्ट करने का एक मेथड बनाया है जिसे उन्होंने 4-7-8 ब्रीदिंग मेथड का नाम दिया है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक शांत जगह पर बैठकर अपनी जीभ को कुछ इस तरह से रखना है। इसी पोजीशन में रहते हुए आपको मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है, फिर मुंह को बंद करके मन में 1-2-3-4 काउंट करना है। फिर आपको नाक से गहरी सांस लेकर 1 से लेकर 7 तक काउंट करना है और लास्ट में अपने मुंह से सांस को बाहर छोड़ देना है। डॉक्टर एंड्रयू के मुताबिक ये एक्सरसाइज आपके ब्रेन और बॉडी को रिलैक्स कर देती है जिससे आपका अपने ब्रेन पे कंट्रोल बढ़ता है और आप अपने ब्रेन की पावर को सही डायरेक्शन में यूज कर पाते हो। इस एक्सरसाइज के ऊपर डॉक्टर एंड्रयू ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया जिसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को 2 ग्रुप्स बनाकर ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांट दिया। ग्रुप ए के लोगों से डॉक्टर एंड्रयू ने 30 मिनट्स तक 4-7-8 ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई और ग्रुप बी के लोगों को सिर्फ आराम करने के लिए कहा, जिसके बाद दोनों ग्रुप के लोगों से मुश्किल पजल को सॉल्व करने के लिए कहा गया, जिसमें ग्रुप ए के लोग ग्रुप बी के मुकाबले बहुत जल्दी और सही पजल सॉल्व करने में सक्सेसफुल हुए। इसके साथ ही एक्सरसाइज करने के 24 घंटे बाद भी ग्रुप ए का ब्रेन ग्रुप बी से ज्यादा एक्टिव था। त्राटक। अपने बचपन में एक दूसरे को बिना पल के झपकाए घूरते रहने वाला खेल तो खेला ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये खेल असल में एक पुरानी मेंटल एक्सरसाइज है जिसे पुराने जमाने में त्राटक कहते थे। पुराने जमाने में लोग अपने ब्रेन के एंग्जायटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते थे। इस एक्सरसाइज को कंसंट्रेशन, फोकस और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करते थे। त्राटक को प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी शांत जगह या कमरे में बैठकर कैंडल की लौ, किसी एक बिंदु, कोई पिक्चर या दीवार को बिना पल के झपकाए 1 मिनट तक नॉन स्टॉप देखना होता है। शुरुआत में आपको इसको प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो सकती है, जैसे आप शायद 1 मिनट के अंदर ही अपनी पलकें झपका लेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप त्राटक की प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करते जाएंगे आपके लिए इसको करना आसान हो जाएगा, बल्कि आपको खुद ये फील होगा कि आपके ब्रेन की पावर ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। एक रिसर्च में ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है जहाँ साइंटिस्ट ने 29 ऐसे लोगों को चुना जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस में थे। उन सभी लोगों से साइंटिस्ट ने हर रोज सिर्फ 1 मिनट तक त्राटक प्रैक्टिस करवाया, जिसके 10 दिनों बाद ही उन सभी लोगों के ब्रेन की कंडीशन नॉर्मल हो गई। बल्कि इसके साथ वो सभी लोग कॉम्प्लेक्स सवालों को भी चुटकियों में सॉल्व कर पा रहे थे। मैजिक फिंगर्स। ये एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन है जो आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहले अपने राइट थंब से इंडेक्स फिंगर को जोर से दबाओ और 3 सेकंड्स तक होल्ड करो। फिर यही सेम अपनी मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर के साथ भी करो। इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट 20 बार अपने दोनों हाथों से करो। इसके बाद आपको इस एक्सरसाइज को करना है, अपने राइट थंब के फिंगर टिप से अपनी इंडेक्स फिंगर के बॉटम को इस तरह से प्रेस करो। यहाँ आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को एकदम स्ट्रेट रखना है और थोड़े प्रेशर के साथ प्रेस करके 3 सेकंड्स तक होल्ड करना है।
फिर यही सेम चीज अपनी मिडिल फिंगर के साथ करनी है, फिर अपनी रिंग फिंगर और लास्ट में पिंकी फिंगर के साथ। इस एक्सरसाइज को भी आपको अपने दोनों हाथों के साथ 20 बार करना है। ड्रॉ अ मैप ऑफ योर टाउन फ्रॉम मेमोरी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आपको अपने घर के आस पास के सारे रास्ते याद है? आइए इसे टेस्ट कर लेते हैं। अपनी मेमोरी के दम पे अपने टाउन यानी शहर, सिटी का या जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ का एक मैप अपने दिमाग में बनाओ। आपको सारे रोड्स, स्ट्रीट्स, गलियाँ और लोकल लैंडमार्क्स को इमेजिन करना है। अपने घर के आसपास या उससे दूर तक के रास्तों को इमेजिन करो। या आप पिछले हफ्ते किसी नई जगह घूमने गए हो जहाँ तक पहुँचने के लिए आपने अपने फोन में गूगल मैप्स का यूज करा था। अब उसी रास्ते को अपने माइंड में इमेजिन करो कि आप वहाँ कैसे पहुँचे थे, रास्ते में कितने मोड़ आए थे, कौन कौन से लैंडमार्क्स थे जो आपने नोटिस करे। इस तरह आप अपने शहर को जितना जानते हो उसका मैप आपके माइंड में क्रिएट होने लग जाएगा। और फिर अपने इस मेमोरी मैप को अपने एरिया के रियल मैप से कंपेयर करो और देखो कि आप कितना सही थे और कितना गलत। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी अटेंटिव रहने की एबिलिटी और मेमोरी पावर इंक्रीज होगी। आप जो भी काम करते हो उसके बाद अपने माइंड में उस काम को रिप्ले करो कि आपने वो काम कैसे करा था। ये आपके न्यूरॉन कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है और वो चीज आपकी मेमोरी में लंबे टाइम तक रह जाती है। वॉलनट्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 4 अखरोट की जरूरत होगी, या फिर आप इसके साइज का कुछ और भी ले सकते हो। सबसे पहले आपको एक अखरोट को लेकर अपने राइट हैंड पर रखना है और अपने लेफ्ट हैंड से उसे इस तरीके से घुमाना है। साथ ही अपने राइट हैंड से ऊपर की तरफ थोड़ा प्रेशर भी डालना है। आपको इसे कुछ इस तरीके से घुमाना है जिससे इस मूवमेंट को करने में थोड़ा एफर्ट लगे। इसे आपको 1 मिनट तक करना है और फिर अपने हाथों को स्वैप कर देना है। लेफ्ट हैंड पर अखरोट को रख कर अपने राइट हैंड से मूवमेंट करनी है। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथों में 2-2 अखरोट लेने हैं और अपने एक हाथ में दोनों अखरोट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन कुछ इस तरह से घुमाना है और साथ ही दूसरे हाथ में इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इस प्रोसेस को भी आपको कम से कम 1 मिनट तक करना है। ये स्ट्रेस रिलीज करने की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्सरसाइज है। अपने हाथों में ऐसे रोलिंग मोशन परफॉर्म करने से आप अपने नर्वस टेंशन को काम डाउन कर देते हो। ये आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करता है और आपके माइंड को बहुत रिलैक्स फील कराता है। जैसे जैसे आपके ब्रेन की एज बढ़ती है उसके कॉग्निटिव फंक्शंस कमजोर पड़ने लगते हैं, आपकी मेमोरी फेड होने लगती है, अटेंशन स्पैन और कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत कम हो जाते हैं। पर ये एक्सरसाइज आपके ब्रेन के एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देती है जिससे आपकी ब्रेन पावर बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है। हैंड स्वैप। ये एक्सरसाइज आपके फोकस और कंसंट्रेशन को बूस्ट कर देगी। सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड के साथ थंब साइड में रखते हुए इस तरह से एक लूज फिस्ट बनाओ। उसके बाद अपने राइट हैंड की 4 अंगुलियों को चिपका के रखो और इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी अंगुली यानी पिंकी फिंगर के साइड में टच कराओ। उसके बाद इस पोजीशन को एक्सचेंज कर दो। अपने राइट हैंड से फिस्ट बनाओ और लेफ्ट हैंड से टच कराओ। इस मूवमेंट को बार बार करते जाओ। इस पूरे प्रोसेस को एटलीस्ट 20 बार करो। यहाँ आपको कोशिश ये करनी है कि आप जल्दी जल्दी अपने हाथों को सही तरीके से स्विच कर पाओ। स्टार्टिंग में ये आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, पर इस एक्सरसाइज को डेली परफॉर्म करने से कुछ दिनों बाद ही आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आप नोटिस करोगे कि आप ज्यादा अच्छे से फोकस कर पा रहे हो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।